दूध पीना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसकी जानकारी हर किसी को है। भले ही आपको दूध पीना पसंद हो या ना हो, लेकिन फायदे के बारे में आपको जरूर पता होगा। हर व्यक्ति को प्रतिदिन एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए। यह हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी को पूरा करता है। दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमें कई रोगों से बचाते हैं। दूध के फायदे तो आप जान गए, लेकिन अब आपको ये जानना है कि आखिर दूध पीना कैसे चाहिए, ठंडा या गर्म। कुछ लोगों को गर्म दूध पसंद आता है, जिसमें वो हल्दी पाउडर या फिर अपनी मनपसंद चीजें मिक्स करके पीते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को ठंडा दूध पसंद आता है। ठंडा करने के लिए वह दूध को कुछ देर तक फ्रिज में रखकर पीते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह के दूध को पीने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। कुछ लोगों को ठंडा दूध पीना इसलिए पसंद आता है क्योंकि यह प्रोसेसिंग के दौरान लो लेवल से गुजरता है। इसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो आपको पूरे दिन चार्ज रखते हैं। अगर आपको ठंडा दूध पीना पसंद है तो आप इसका सेवन सिर्फ सुबह के समय करें। रात को ठंडा दूध पीना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको नींद आने में दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग ठंडे दूध का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने वजन को कम करने के लिए ठंडे दूध को पीते हैं। हालांकि सर्दी के मौसम में ठंडे दूध का सेवन बिल्कुल ना करें, खांसी और फ्लू इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। सर्दी के मौसम में गर्म दूध पीना ही सही रहता है। इसके अलावा अगर आप दूध में किसी तरह का प्रोटीन पाउडर या फिर हल्दी को मिक्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में गर्म दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडे दूध में इन सब चीजों का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ ही गर्म दूध बच्चों और बूढ़ों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अमर उजाला.com